फिर सुनिएगा बेटा। तो सबसे पहले बेटा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो उसे कोलिजन बोलते हैं, और एक सेकंड पर सीसी एक सेकंड में होने वाले तमाम कोलिजन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और उस कोलिजन में कुछ फ्रैक्शन ऐसा होता है बेटा, कोलिजन्स में कुछ केवल एक कुछ ही फ्रैक्शन ऐसा है, ठीक है, जिनकी, हाँ बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ बेटा, एफ, यानी कि इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और रो से उसको डिनोट करते हैं जिनके कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ है, तीनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब जरा इधर देखिए, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन जो होता है ना, एक मिनट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये इसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है। आप सोचोगे कि टेम्परेचर को यदि आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में तो कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। हेलो अभी ठीक, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है बहुत स्लोली चेंज होती है, लेकिन फ्रैक्शन, ऐसे मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है, इनमें रैपिडली चेंज आता है, और ये ऐसा होता है। तो F इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बेस माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब बेटा हम आपसे ये कह सकते हैं कि यदि F डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ई ए, यदि आप किसी रिएक्शन में, एक मिनट बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ए, ये कम कर दिया जाए, तो कम करने से किसकी संख्या बढ़ जाएगी? एफ की संख्या बढ़ जाएगी। हेलो, अभी एफ बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? हेलो, अरे भाई पहले एफ इतना था और अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के कम होने पर इतना हो गया, मेरी बात नहीं समझ आ रही क्या? यस सर। हेलो यस सर। अब जरा इधर देखिए, ये बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ए, हम ये कह सकते हैं एफ डिक्रीज विद इंक्रीज द वैल्यू ए, ये अब यदि इसको यदि हम, आप थोड़ी सी इमेजिनेशन करो कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो एफ बढ़ जाता है, और ज़्यादा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। एफ डिक्रीज विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ई ए, द रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन एफ, दिस मीन्स दैट द रिएक्शंस विद लार्जर वैल्यू ऑफ ई ए हैव स्मॉल रेट कॉन्स्टेंट, एंड दैट रिएक्शन विद स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी हैव लार्जर रेट कॉन्स्टेंट। एक मिनट, इस बात को भी जरा समझेंगे। ये देखो, जितनी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, ये देखो, मान लो मैंने आपसे कहा एफ एक्सपोनेंशियल बेस माइनस ई ए अपॉन आर टी, आप खुद सोचिएगा, ए जितनी ई ए की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, हाई वैल्यू ऑफ ई ए, जितनी ई ए की वैल्यू हाई होगी उतना एफ क्या होगा? लेस होगा। हाँ भाई, लेस एफ और लेस क्या होगा? के। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और जितनी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक, उतना ही एफ क्या होगा? मोर, उतना ही एफ मोर होगा, उतना ही के ज़्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, K इज इक्वल टू
रो जेड ई, एफ की जगह पर हमने ई ए अपॉन आर टी ये रख दिए। के आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ये, ठीक। और ये क्या बेटा, रो, रो वो फ्रैक्शन है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ है। ठीक, और जेड क्या बेटा, जेड जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो आपका एफ है फ्रैक्शन जो सफिशिएंट एनर्जी के साथ है, मुझे मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, अब हमने, अब बेटा इन दोनों को रो और जेड का मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है जिसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, इसको हमने इस तरीके से, और ये बनता आर्हेनियस इक्वेशंस, ये आर्हेनियस इक्वेशंस। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, नो सर। ठीक है, अब बेटा ए ये देखिए, इसका मैंने लॉगरिथम ले लिया और लॉगरिथम लेने पर ये इक्वेशन बनी। ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए हम log k और 1 बाई टी के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं। log k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचें। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो जो स्लोप होगा, स्लोप किसके इक्वल आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, लॉग ए, लॉग ए। अब जरा इधर देखिए, ये हमने ग्राफ खींचा, ये स्लोप आ गया, ये आपका लॉग ए, हेलो, ठीक है। और ग्राफ खींचने पर तो स्लोप की वैल्यू आ गई, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। टी वन टेम्परेचर पर, हाँ बेटा, टी वन टेम्परेचर पर यदि वेलोसिटी कांस्टेंट के वन है और टी टू पर के टू है, तो बेटा हम दो इक्वेशन बना लेंगे ऐसे। एक मिनट, लॉग, लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन, लॉग के टू इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, और ये टी, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन में से, हाँ बेटा, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो इक्वेशन ये बन के आ जाता है। हम जानते हैं यहाँ पर कि एक्टिवेशन एनर्जी नॉट चेंज विद टेम्परेचर, नॉट चेंज विद टेम्परेचर, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, अच्छा, यदि आपसे कहा जाए टेम्परेचर के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होने लगे तब ये फार्मूला, हेलो, और यदि मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये यहाँ लगाता हूँ, यदि टेम्परेचर, इसको एक एक इक्वेशन ऐसे ड्राइव करते हैं, ए ये देखिए
मैं ये कह दूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2.303 लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू टी अपॉन आर इंटू ई ए वन माइनस ई ए टू। एक मिनट भाई, जो जस्ट रुक जाओ एक मिनट है। इसको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि तरीके से बताता हूँ। देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए वन अपॉन 2.303 आर टी लॉग के टू इज इक्वल टू लॉग ए ई ए टू 2.303 आर टी। अब यदि बेटा इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो लॉग के वन बाई के टू सही है क्या इज इक्वल टू वन अपॉन 2.303 आर टी ई ए टू माइनस ई ए वन। देखना बेटा ये फार्मूला समझ में आया। हेलो, यस सर। ठीक है। अब बेटा ऐसा होता है कि जो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका टेम्परेचर के साथ जो चेंज है, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर जो चेंज है वो ये है, ये फार्मूला। ठीक है, ए डी एल एन के डी एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इसका मतलब बेटा, इसको यदि मैं इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर के चेंज करने से के ज़्यादा चेंज होता है। ठीक, हम ये लिख सकते हैं, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में, दोज रिएक्शन हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी हैव मोर चेंज इन के विद टेम्परेचर हैव मोर चेंज इन के विद टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, और जिसका ई ए कम होगा वहाँ कम चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, मतलब ये कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं ये। अब जरा इधर देखिए बेटा, मैं आपको एक इस पर इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। मान लो मैं ये कहता हूँ एन टू गैस, मतलब मैं जो अपनी बात को आराम से, मतलब क्या कहना चाहता हूँ जरा उसको बताता हूँ। एन टू गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3 गैस, 2NH3 गैस, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस क्यू किलो कैलोरी है, मोल। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस। चलो, अब आप इस बात को तो अच्छे से मानेंगे कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और यदि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो ये कुछ ऐसे होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड
इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। सही है, मेरी बात समझ में आ रही? ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो ये होगी और ये बैकवर्ड होगी। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, और ये बात हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो के हमेशा इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल बेस ई ए माइनस आर टी। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और यदि यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऐसे समझ लीजिएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यदि तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये वाला फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज। ये वाला फैक्टर डिक्रीज तो के इंक्रीज। बात सही है ये गलत है? हेलो, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो इंक्रीज करेगा इतना, लेकिन जो बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट है वो इंक्रीज इतना करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और यही कारण है कि यदि आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना बेटा इस रिएक्शन में, तो मैंने पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि यदि टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा भाई? इक्विलिब्रियम पे शुरू में तो रेट क्या था? दोनों के रेट बराबर थे, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड का रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द फॉरवर्ड, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। ये बात क्लियर है या नहीं? हेलो हेलो बेटे, यदि किसी बच्चे को ये दिक्कत है जरा बैच में लिख दे, चैट बॉक्स में लिख सकता है ताकि मैं उसको अच्छे से बता दूं। हेलो, हाँ भाई, यश चौहान? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अरुणाभा, नवेदा, उर्वशी? ओके, अब जरा यहाँ देख लीजिएगा, यही लिखा है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, शायद आपको याद होगा, ए ऐसे। वहाँ आप क्या होता है बेटा, उस केस में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है बैकवर्ड से ज़्यादा होती है। हेलो, और जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू दिस। हेलो हेलो, यस यस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैंने कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तुम्हें याद है पिछले साल मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन दिया था, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल बेस माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। याद है? भूल गए? यस सर। ये मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के लिए, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए। ये तो हो गया के एफ के लिए, और ये आपका के बी के लिए। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, तो ये हो गया ए एफ ई एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन आर टी। हाँ, समझ में आ गया? हेलो, यस। तो ए एफ अपॉन ए बी एक्सपोनेंशियल बेस और इसको हम अब वैल्यूज फीड कर दें और ए एफ अपॉन ए बी की जगह पर हम ए लिख दें तो ये आपका बेस। और आपको पता ही है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इसकी जगह पर डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के लिए मैंने पिछले साल आपको ग्राफ बनाए थे, एंडोथर्मिक के लिए अलग था, एक्सोथर्मिक के लिए अलग था। हेलो, हाँ भाई, समझ में आ गया? चलिए एक मिनट, अभी अब जरा कैटलिस्ट तक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटा मैं बेसिक चीज़ें आपको पहले बता दूँ। पहले तो मुझे बताइए, जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ गया? यस सर, यस। ठीक है, ओके। अब ये देखिए जरा, एक मिनट बेटा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और उनको करते हुए चलते हैं।
ये एक मिनट, ये क्वेश्चंस जो आप एक मिनट, ये 2017 में, चलिए एक मिनट, ये है तो आसान क्वेश्चन है, अभी शायद आपको दिक्कत करे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, कराने सारे ही मुझे अभी कंप्लीट कर दूंगा ये सारे क्वेश्चंस, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को महसूस कर लें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 52, हाँ भाई 52 क्वेश्चन देख रहे हो क्या आप? यस सर। चलिए करो। ये देखो शायद मेरे ख्याल से आप, इसने लिखा बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, ये बात आपको समझ में आ रही है? एक मिनट मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूँ, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मिनट इधर आइए। चलिए अब ये क्वेश्चंस बेटा आपके सामने हैं। हेलो मैं करूं या आप करोगे? हेलो, अरे आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। चलिए ओके, चलो मैं ही कर देता हूँ, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करानी है बेटे। ऐसा हुआ, हमने रेट डबल का मतलब क्या मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट डबल हो गया। यदि मैं आपसे लिखता हूँ के टू इज इक्वल टू 2K1, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो के टू इज इक्वल टू हमने लिखा 2K1। टेम्परेचर यानी कि जो फार्मूला होता है बेटा, लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 आर 1 by T1 minus 1 by T2। याद रखना बेटा, यहाँ यदि 2 है तो यहाँ 1 आएगा, ये नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। हेलो बेटे, यदि यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 2 कर दोगे। हेलो, तो मैं यहाँ पे लिखूँ लॉग 2, क्योंकि K2 upon K1, ये अच्छा EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, हमें जो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। ये क्वेश्चन बेटा IIT 2013 में पूछा गया था। EA अपॉन 2.303, ठीक। अब इसकी जो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी यूनिट निकाल रखी है किलो जूल, ये देखो है, तो R की वैल्यू आप किलो जूल में ही ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? T1 कितना बेटा? 300, 1/300 माइनस 1/310। ये बताओ कि ये क्वेश्चन अपने आप आगे सॉल्व कर सकते हो या मैं कर लूँ आगे? बस कुछ नहीं करना, ये निकालना है, लॉग 2 की वैल्यू डालो
हेलो, ये देखो log 2 की वैल्यू दे रखी है, और फिर आगे गुना भागी करनी और करना। हाँ भी कर लोगे या करूँ? कर लेंगे सर। ठीक है, ओके ओके भाई। अभी तो शुरुआत ही की है, अभी तो क्वेश्चन धीरे धीरे इसके अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है आपको? ये भी आईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। चलो देखना जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 कर सकते हो क्या? मैं करूं या करोगे? हेलो, यस सर। मैं करूं? रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरहेनियस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर दिस दिस दिस। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टी इनफाइनाइट। चलिए कैसे कर सकते हैं? है तो मुझे तो बेसिक ही लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कुछ। चलिए सबसे पहले बेटा हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता है, ठीक। उसके बाद आरहेनियस पैरामीटर पता है, ए पता है। उसके बाद मुझे, हाँ बेटा, रेट कांस्टेंट, चलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पता है, आरहेनियस पैरामीटर पता है, द वैल्यू ऑफ के एट इंट। तो बेटा हम इसमें फार्मूला यूज यही कर सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। समझ में आ गया? हाँ भाई, अब लॉग के की वैल्यू कितनी है? हेलो, उसने कहा कि यदि टेम्परेचर, हाँ बेटा, अब ये तो हमें वैल्यू पता है। उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे तब रेट कांस्टेंट कितना होगा? बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए ए माइनस जीरो, क्योंकि जब टेम्परेचर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा आपका। हेलो, यानी कि के बराबर किसके आ जाएगा? ए। तो ये आरहेनियस पैरामीटर कितना है? हेलो, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास ये, तो इसका आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आ रहा बेटा? हेलो, हाँ बोलो बेटा, दिक्कत है तो बताओ। हेलो, नो सर। चलूँ आगे? यस सर। चलिए ओके। अब बेटा एक मिनट और इक्वेशंस, बस एक दो क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ाना है, जरा वो भी उसको भी कंप्लीट करना है मुझे भी। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। मुश्किल नहीं है, टॉपिक आसान है। चलिए ये देखना, ये कर सकते हो क्या?
हेलो, मैं करूं या आप करोगे? हेलो, एल एन के इज इक्वल टू क्या? ई ए अपॉन 2.303 थ्री आर टी, ऐसे ऐसे एल एन पे तो ये हटा दो, ये मत हटा, ठीक, प्लस एल एन ए। अब आपको पूछा जा रहा है ए, इससे तो ये एक ए निकल जाएगा। हेलो, उसके बाद पूछा जा रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये लो ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू फिट करिए एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, ठीक। फिर टेम्परेचर फिट कर दो, बाकी सब वैल्यू रखो तो के आ जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? हेलो हेलो, आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा, ये तो बेसिक चीज़ें बेटा खत्म हो गई। अब जरा बेटा मैं इस चैप्टर को ख़त्म करना है, तो एक चैप्टर टॉपिक बचा है वो पूरा कर दूँ, फिर उसके बाद कल कल प्रैक्टिस। आज शीट मैंने भेज दी वैसे तो, आज आपको शीट अभी और बन रही है, कल तक और भी आ जाएंगी शीट। चलिए बेटा अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं। अब बेटा हम आज पढ़ाएंगे आपको, मेरे देखिए बेटा मैं कैटलिस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये जो इस काइनेटिक्स से कैटलिस्ट का जो रिलेशन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे बताइए बेटा, क्या हमें कैटलिस्ट की डेफिनेशन याद है? हेलो, अब कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है, क्या बेटा हमें डेफिनेशन याद है या नहीं? कैटलिस्ट किसे कहते हैं पता है? कैटलिस्ट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं, कंज्यूम नहीं होते, और दूसरी तरफ रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं बेटा, कैटलिस्ट टू टाइप, एक जिसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक जिसे कहा जाता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, निगेटिव कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज करता है। अभी समझ में आ गया? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट को बढ़ा देता है और निगेटिव कैटलिस्ट रेट को कम कर देता है। तो एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट, ठीक है, विच इंक्रीज और डिक्रीज, या विच आल्टर कर देना चाहिए, ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन के आखिर में जूगा तो मिल जाता है, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कैटलिसिस। ठीक, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, उनको निगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया दे ऑल्टर दी रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ए सच कैटलिस्ट आर कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? हेलो, नो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा कैटलिस्ट जो है इसके अंदर ऐसा होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज कैसे करते हैं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट जस्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, पहले ए से इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। हमने इसका ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक। तो ये इसका दिस, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा कैटलिस्ट डाल दिया, ए से प्रोडक्ट कैटलिस्ट, ए चेंज टू आई सी और आई सी चेंज टू प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए, अब इसमें क्या किया है, यदि ये दो तरीके कर सकता है, ये आई सी, यदि इसने एक्टिवेशन एनर्जी जो बना कम हो गया, मतलब एनर्जी कम हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और कम होने से रेट बढ़ जाएगा, और या फिर ये ऐसे हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश कर रहा, मेरी बात, हाँ बात क्लियर हुई? हेलो, यस सर। तो जो रिएक्शन हमारे कैटलिस्ट हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते और घटाते कैसे हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसे चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने लिखा है स्पेशली इस बात को लिखा है ये ताकि आपको समझ में आए, कैटलिस्ट आल्टर दी रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब एक्टिवेशन एनर्जी ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, तो उस समय रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि के डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अब यदि ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, खुद सोचो, ये वाला फैक्टर, तो ये वाला फैक्टर बढ़ने का मतलब है ये फैक्टर बढ़ा और ये घटेगा, और यदि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो ये फैक्टर कम हो जाता है, जब ये कम होता है तो ये बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, अब जैसे तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि अब हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के सी एल ओ थ्री की, MnO2 डालते रहते हैं तो रिएक्शन के रेट फास्ट हो जाता है, और MnO2 नहीं डालते रिएक्शन तब भी होती है लेकिन वो स्लो हो जाती है। एक मिनट, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें, वैसे तो मैं कैटलिस्ट में जाकर पढ़ाता ही हूँ हमेशा, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। एक, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को शुरुआत नहीं करते, ठीक है, ये रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं, और कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन में या तो इस्तेमाल नहीं होता, और होता है हल्का सा, बहुत थोड़ी अमाउंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट कभी नहीं चेंज कर पाता, बल्कि चेंज क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेटा बेसिक, इट सिंपली लोअर द टाइम नीडेड टू अटेन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन होने में समय घटा देता है। लेकिन बेटा एक चीज़ मुझे आपको मैंने ये बता दी ना आपको कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, अच्छा ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बता दिया ना कि टेम्परेचर को चेंज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्यों होती है। हेलो, हेलो, निकल तो बता दिया, मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, गलत याद कैसे आ रहा है, एक मिनट जस्ट। मैंने आपको, अरे ये कैसे छूट कैसे गया, मैंने आपको ये नहीं बताया बेटा अभी कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस में गिव 2NH3, यदि बताया तो बता देना ताकि मेरे पास, ये डेल्टा एच निगेटिव है, यहाँ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड की होती है, बताया ना। हेलो, हाँ भी, यस, ये तो बता दिया ना, मैंने बताना है, बता दिया, ओके, हाँ मुझे लग रहा था तो बताया तो है, तो दिख नहीं रहा कहीं कहाँ लिखा है। चलिए, खैर यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ये कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है वो भी क्लियर हो गया, या भी दिक्कत है बोलो। चलिए एक मिनट बेटा, अभी
एक मिनट बेटा, जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इसके, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक, आसानी था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है, आईआईटी 1990 में आया था, आराम से करिए, दो मिनट का समय सब बच्चों के पास है। जल्दी करिए बेटा, टाइम वेस्ट मत करना। In Arrhenius equation for a certain reaction, the value of A and E, A और E की value, hello, नहीं कर पा रहे क्या? तो 310 के आसपास होगा। चलो देखते हैं। उसने लिखा बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो के की वैल्यू तो हो गई कितनी, 0.693/10, ठीक है। तो लॉग के इज इक्वल टू, अब लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। के की वैल्यू कितनी, 0.693/10, और हाँ बेटा 10 की बजाय 600 कर देता हूँ क्योंकि के सेकंड में है ना मेरे बेटा। हेलो, लॉग, हाँ बेटा लॉग ए की वैल्यू कितनी है, 4×10^-13, नहीं +13 सॉरी, माइनस ई ए 98.6 गुना 1000 अपॉन 2.303 R 8.31 टेम्परेचर टी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर? हाँ भाई बोलो। हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? यहाँ बेटा मिस्टेक यहाँ होती है जब बच्चे यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो जो आपका ये भी सेकंड इन्वर्स में होता है, तो फिर इसको भी सेकंड में या इसको मिनट में कन्वर्ट करना हमारी ज़रूरत हो जाती है। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ भाई क्लियर? चलिए ओके। चलिए बाकी आप शीट आएगी आपके पास, आज भी आएगी, अभी थोड़ी देर में आ भी गई होगी शायद आपके वजह से, तो मैंने डाल दी है। एक शीट और आएगी, कल डालूंगा, उसको बन रही है, वो थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ विश, अब बेटा एक चीज़ बेटा मुझे अब आपको और सिखानी है। चलिए ऐसा है बेटा कि हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो डायरेक्शन, तो जो टी हाफ होता है वो ए के प्रोपोर्शनेट होता है। ये तो है जीरो ऑर्डर के लिए, और जब फर्स्ट ऑर्डर होता है तो टी हाफ ए की पावर 0 के बराबर होता है, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड ऑर्डर में जो टी हाफ है वो -1 के प्रोपोर्शनेट होता है,
और थर्ड हाफ ऑर्डर के लिए ये -2। ठीक है, कुल मिला के बात समझ में आ गई कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n फोर nth ऑर्डर। ये हो गया टी हाफ 1, टी हाफ 2 इज इक्वल टू a1/a2 की पावर 1 - n। ये बात समझ में आ गई। अब हाफ लाइफ की मदद से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? ये बेटा सबने नोट कर लिया क्या? सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। चलिए ओके ओके ओके, अभी जरा इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसमें। ये देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हो 31। हेलो, हाँ भाई, जब प्रेशर इतना था, हेलो, जब प्रेशर इतना था तो टी हाफ इतनी, जब ये इतना तो इतनी, तो मैंने इसके लिए लिखा अभी टी हाफ 1/t/2 इज इक्वल टू a1/a2 की पावर क्या बेटा? हेलो, अभी प्रूव किया ना मैंने बेटा 1 - n। हेलो हेलो सर, तो ये आ जाएगा 50/100 इज इक्वल टू 3.64/1.82। कितना आ गया? 2/1, 1/2 = 2/1 1 - n। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2/1 इज इक्वल टू -1। हेलो बेटे, इसको 1/2 को -1 ऐसे करके लिखा जा सकता नहीं? Yes, तो 1 - n इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। बताओ क्वेश्चन, हाफ लाइफ की मदद से हाफ लाइफ को स्टडी करके भी हम ऑर्डर बता सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे मैंने किया? हेलो हेलो, यस सर, सबको समझ में आ गया? तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स आज ख़त्म हो जाती है। अब हम अगला टॉपिक, अभी तो खैर कल प्रैक्टिस चलेगी, कल बेटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो कल प्रैक्टिस परसों से शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इसी चैप्टर का ही पार्ट है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें सारी। तो इस बार मैं रेडियो एक्टिविटी को अलग से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन है वो इसी की पार्ट। ठीक है, पिछले सालों में बेटा इसी में पढ़ाते थे हम उसको, लेकिन वो बस फ़र्क कुछ नहीं, वो चैप्टर ये बड़ा हो जाता था, अब दोनों को अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हेलो सर, चलिए बेटा मिलते हैं कल आपसे। ओके बेटा।